हम लोग अपनी एक्सरसाइजेस स्टार्ट करने से पहले कुछ कन्वेंशंस देखेंगे जो हम एंड तक फॉलो करके चलेंगे, सारे स्यूडो कोड्स जितने भी प्रोग्राम्स के उनके लिए। और जिसको हम स्यूडो कोड कहते हैं, तो हम बेसिकली एल्गोरिदम नहीं, हम स्यूडो कोड्स लिख रहे होंगे हर हर ऑब्जेक्टिव के लिए पहले, और हर स्यूडो कोड के बाद हम उसका कोड लिखेंगे और फिर फाइनली एनालिसिस करेंगे। तो कुछ कन्वेंशंस मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि फॉर एग्जांपल अगर इनपुट लेना हो यूजर से, अगर इनपुट एक्सेप्ट करना हो, तो हम जो स्यूडो कोड में टर्म यूज करेंगे वो होगी इनपुट, ठीक है। इसी तरह आउटपुट के लिए हम टर्म यूज करेंगे राइट, ठीक है। यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, यूजर विल बी प्रोबेबिलिटी आउटपुट, कंसोल और एनी अदर आउटपुट डिवाइस। अच्छा, ये तो खैर बहुत कॉमन सी चीज है। लूप के लिए हम लोग लिखेंगे रिपीट व्हाइल, ये होगा व्हाइल लूप, एक और लूप है फॉर, लेकिन फॉर हम कहाँ यूज करेंगे, लूप फॉर ईच आइटम इन अ कलेक्शन। और अगर हम कहते हैं रिपीट अनटिल, तो ये होगा एन इक्विवेलेंट टू डू व्हाइल लूप, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर डिसीजन है तो हम कहेंगे इफ देन अदरवाइज, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि इफ अदरवाइज सॉरी इफ सम कंडीशन देन डू एक्स अदरवाइज डू वाई, ठीक है। ये सिंपल सी कन्वेंशन है। अच्छा, अगर कोई वेरिएबल इनिशियलाइज करना है या कोई ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो हम कहेंगे सेट, यानी फॉर एग्जाम्पल सेट ए इज इक्वल्स टू 1, ठीक। अच्छा, इसी तरह अगर मॉड ले रहे हैं, मॉड्यूलस ले रहे हैं, तो मॉड लिख देंगे। और ऑपरेटर्स, तो ये मैंने एक टेबल फिल कर दिया और यहाँ पे एक एक ऑपरेटर के मुताबिक बताया। फॉर एग्जाम्पल अगर वैल्यू असाइन करनी है, तो हम लिखेंगे ए कॉलन इक्वल्स टू बी, सिर्फ ये जो साइन है ये हम असाइनमेंट के लिए यूज नहीं करेंगे, कंपैरिजन के लिए यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह ही सारे कंपैरिजन के लिए ऑपरेटर्स है, ए इक्वल्स टू बी, लेस देन ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू बी, ठीक। बूलियन ऑपरेटर्स, एंड और नॉट, एक्सक्लूसिव और, किसी एरे की कोई किसी इंडेक्स पे वैल्यू एक्सेस करनी है तो आई हम दे देंगे, इसी तरह जैसे लैंग्वेज में देते हैं। दिस इज मैग्नीट्यूड, ठीक है। फाइव साइंस के अंदर हमने कोई चीज ली थी ए, तो इसका मतलब अगर ए फॉर एग्जांपल एरे है, तो उस एरे की लेंथ क्या है। अच्छा, इसके अलावा ये एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए भी यूज होता है, यानी अगर वैल्यू नेगेटिव में है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू वैसी रहेगी। फ्लोर, फ्लोर के लिए ये सिंपल है, मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर दूं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके नीचे आपको कट दिख रहा होगा ऑन टॉप, तो ये फ्लोर फंक्शन के लिए, ये सीलिंग फंक्शन के लिए। फ्लोर फंक्शन आपको आइडिया है ही, अगर मैंने लिखा है फॉर एग्जाम्पल 2.5, तो इसका फ्लोर फंक्शन किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। अगर मैंने लिखा है 2.5 और सील फंक्शन इसका 3 के बराबर होगा, तो हायर अपर बाउंड या लोअर बाउंड कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, अगर हमें कहना है जैसे सी शार्प में या दूसरी लैंग्वेज में हम कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट की कोई प्रॉपर्टी है, ए डॉट एक्स फॉर एग्जाम्पल, पर्सन डॉट नेम, तो उसकी जगह हम एरो फंक्शन, एरो का साइन यूज करेंगे, ठीक है। समेशन के का साइन जो है वो उसकी जगह हम जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में नोटेशन है आपके सिग्मा की वो यूज करेंगे। अप्रोक्सीमेट करने के, अप्रोक्सीमेटली इक्वल के लिए आपका जो स्टैंडर्ड साइन है, और ये दिस इज स्मॉल फाई, ये है आपका कैपिटल फाइव,
ठीक है, तो वर्ड फायर का सिंबल नल के लिए हम यूज करेंगे एल्गोरिथम लिखते हुए। अच्छा, अब हम चलते हैं सबसे पहले प्रोग्राम की तरफ, जो कि ऑब्वियसली सबसे आसान प्रोग्राम प्रोग्रामिंग की पूरी दुनिया में क्या होता है, हेलो वर्ल्ड। हम कहते हैं अ प्रोग्राम विच प्रिंट्स हेलो, सही है। अब इसके लिए हमें तीन काम करने हैं। सबसे पहले तो इसका सीडो कोड लिखना है, ठीक है, उसके बाद इसका सोर्स कोड लिखना है, और थर्ड नंबर पे इसका एनालिसिस करना है हमें, कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। ठीक है, सो लेट्स डू दिस। प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हेलो प्रिंट हो जाए, यानी एक आउटपुट चाहिए लिखा हुआ हेलो। सो लेट्स सी हाउ द सीडो कोड लुक्स लाइक। मैं कोई फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम होगा प्रिंट हेलो, प्रिंट हेलो, ठीक है। और ये फंक्शन क्या करेगा, कुछ इनपुट ले रहा है, कोई इनपुट नहीं होगा इसका, ठीक है। अच्छा, अब प्रिंट हेलो कोई फॉन्ट चेंज कर देता हम लोग, चलो खैर यू भी नहीं कर नो नीड। अच्छा, प्रिंट हेलो के अंदर कितनी स्टेटमेंट्स होंगी, एक ही स्टेटमेंट होगी, और हमें प्रिंट करवाना है तो हमारी जो कन्वेंशन है वो क्या कहेगी, राइट, और हम एक स्ट्रिंग दे देंगे हेलो, सही। ये प्रोग्राम टोटल, ये हमारा प्रोग्राम है और ये यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो हम अगर कहें कि दिस इज स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट ए इज द ओनली स्टेटमेंट इन दिस प्रोग्राम, ठीक है। इसका सोर्स कोड देख लेते हैं हम लोग। ये बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा प्रोग्राम है, और अगर इसकी हम एनालिसिस की बात करें तो हमें ये देखना है कि इस स्यूडो कोड में या इस कोड में कितनी लाइंस हमने एग्जीक्यूट की, ठीक है। अच्छा, एनालिसिस में हम दो दो चीजें कम से कम देखेंगे। नंबर वन इज ए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और बी क्या है, अपर बाउंड विच इज बिग ओ, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। देखिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमने कहा कि हमने क्लास में डिस्कस किया था कि किसी भी प्रोग्राम का टाइम, अगर हम बात कर रहे हैं बिलफर्ज मिली सेकेंड्स में या माइक्रो सेकेंड में, कितना टाइम ले रहा है ऑन क्लॉक, तो ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स में। फॉर एग्जाम्पल, उस कंप्यूटर की कंप्यूटेशन पावर क्या है, मेमोरी कितनी है, लैंग्वेज पे, लैंग्वेज के कंपाइलर्स पे, उनके इंटरप्रेटर्स पे, आर्किटेक्चर पे, बहुत सारी चीज़ों पे ये टाइम डिपेंड करता है। तो एक प्रोग्राम जो आपने फॉर एग्जाम्पल सी शार्प पे बनाया, और किसी इंटेल बेस्ड कंप्यूटर पर आप रन कर रहे हैं उसे, तो वो अगर 100 मिली सेकेंड्स ले रहा है, तो ज़रूरी नहीं है वो 100 मिली सेकेंड्स ही लेगा किसी और कंप्यूटर पे भी और किसी और लैंग्वेज में भी। हो सकता है अगर आप सेम प्रोग्राम पाइथन पे लिखें तो वो 200 मिली सेकेंड्स ले लें, सेम प्रोग्राम आप रन करें एएमडी की मशीन पे, हो सकता है वो 100 की जगह 75 मिली सेकेंड्स में एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये सारी फिजिकल कंसिडरेशंस हैं। असल जो हम कहते हैं एक्यूरेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसमें तो इन सबको मद्देनजर रखते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो हम सिर्फ लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, ये सारे फिजिकल कंसिडरेशंस वहां पे शामिल नहीं होती। तो अगर इस स्टेटमेंट को हम कहें कि कितना टाइम लेगी, बिकॉज दिस इज वन स्टेटमेंट, हम इसे कहेंगे 1 यूनिट ऑफ टाइम, 1 यूनिट ऑफ टाइम। सिंगल स्टेटमेंट है तो 1 यूनिट ऑफ टाइम देगी, यानी इसका अगर हम कहें कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की इक्वेशन क्या होगी फॉर एन, तो दिस विल बी 1। अब इसका क्या मतलब है, टी ऑफ एन इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम इनपुट कुछ ले ही नहीं रहे, ठीक है, तो ये पूरा फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन अगर हम इसको कहें एफ ऑफ
अगेन जस्ट एफ। इस फंक्शन को अगर हम कहें एफ, तो एफ इस फंक्शन का टाइम हमेशा वन कॉन्स्टेंट यूनिट ऑफ टाइम होगा, ठीक है। तो यहाँ चूंकि हम कोई कोई इनपुट ही नहीं ले रहे, तो इनपुट का साइज भी मेंशन करें ना करें एक ही बात है। तो आप टी ऑफ एफ लिखें, इस फंक्शन को आप एफ कह दें या टी ऑफ एन लिख दें, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। असल बात यह कि टाइम क्या ले रहा है, वन वन यूनिट ऑफ टाइम। अब वो वन यूनिट कुछ भी हो, 1 सेकेंड हो, 100 मिली सेकेंड हो, 1 नैनो सेकेंड हो। अच्छा, दूसरी बात हम करते हैं अपर बाउंड। अपर बाउंड हमें पता है कि हमारे पास स्टैंडर्ड ग्रोथ फंक्शंस हैं, जैसे लीनियर फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, फैक्टोरियल है। तो जितने भी लीन ये ग्रोथ फंक्शंस हैं, उनमें से किसी एक के साथ इस फंक्शन को बाइंड करना, इससे क्या मुराद है? अगर हम कह रहे हैं ना बिग ओ, बिग ओ ऑफ एन, ये क्या होगा? बिग ओ ऑफ एफ कह देते हैं इसको। इसको मैं एफ ही कह रहा हूँ क्योंकि ये फंक्शन है, कोई इनपुट नहीं ले रहा, इसलिए मैं एन की टर्म भी यूज नहीं कर रहा यहाँ फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो ये जो भी फंक्शन है, इसका अपर बाउंड हमेशा हमेशा क्या होगा, किस ग्रोथ फंक्शन का नाम हम लेंगे कि जिसके साथ ये हमेशा बाइंड होगा? तो वी नो कि ये कॉन्स्टेंट टाइम है, तो हम क्या कह सकते हैं, बिग ऑफ सी, या इसको बिग ऑफ वन भी कह सकते हैं। बिग ऑफ सी का मतलब है कि कोई सा भी कांस्टेंट हो सकता है यहाँ पे। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये यही स्टेटमेंट इस तरह से लिखूं, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और अगर मेरा ऑब्जेक्टिव ये होता कि राइट हेलो वर्ल्ड, अब प्रिंट हेलो के फंक्शन में मैं दो स्टेटमेंट्स प्रिंट कर रहा हूँ ना, दो स्टेटमेंट्स रन कर रहा हूँ, हेलो अलग रन कर रहा हूँ, वर्ल्ड अलग रन कर रहा हूँ, ठीक। तो अब मेरा ये प्रोग्राम, ये फंक्शन कितना टाइम लेगा? टाइम ऑब्वियसली इसकी दो स्टेटमेंट रन हो रही है तो टी ऑफ एफ विल बी टू। लेकिन अगर हम कहें इसका अपर बाउंड क्या है, तो वो हम कहेंगे बिग ओ ऑफ सी एनी कांस्टेंट। अब ये 2 हो 4 हो 8 हो, ये 1 मिलियन हो, कांस्टेंट है ना, तो इसका अपर बाउंड फंक्शन हो गया बिग ऑफ सी। इस वजह से ये फर्क है कि जहां हम ये बात कर रहे हैं ना कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये क्लास में डिस्कस किया था कि जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करते हैं, तो जो एल्गोरिदम हमने लिखा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसके ऊपर बेस करता है हमने किस तरह से अपना जो है ना एल्गोरिदम लिखा है। यही एल्गोरिदम, अगर मैं ये एल्गोरिदम है हमारा, राइट हेलो अलग है और राइट वर्ल्ड अलग है, दो दो स्टेटमेंट से, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो टू टू आ रही है। यही एल्गोरिदम अगर हमने पहले लिखा था तो वो 1 आ रही थी, लेकिन दोनों सूरतों में अपर बाउंड सेम होगा। ये अपर बाउंड, ये हमारी ये बात कर रहा होता है, अपर बाउंड हमें क्या बता रहा होता है कि फंक्शन की ग्रोथ कितना टाइम लेगा एज दी इनपुट इंक्रीजेस, इनपुट साइज इंक्रीजेस, फंक्शन कितना टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या उसकी ग्रोथ क्या हो सकती है, ठीक है। अपर बाउंड इसी को कहते हैं कि इससे ज्यादा ग्रो नहीं करेगा। तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा क्या कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट से ज्यादा टाइम कभी भी नहीं ले सकता प्रोग्राम, ठीक है, किसी भी सूरत में। तो ये हमने पहला प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट सेकंड ऑब्जेक्टिव में देखेंगे थोड़ा सा और डिटेल में, अ प्रोग्राम विच इनपुट्स टू इंटीजर नंबर्स एंड प्रिंट्स देयर सम, ठीक है, सिंपल है। दो इंटीजर्स हैं जिनको हमें इनपुट लेना और उनका सम प्रिंट करवाना है। तो चलें इसका भी देखते हैं, स्यूडो कोड और कोड और कुछ एनालिसिस। मैं पहले कॉपी पेस्ट कर दूं। चलें जनाब, हम आते हैं पहले तो स्यूडो कोड के ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है, दो इंटीजर्स इनपुट लेना है, ठीक है, और उनका सम प्रिंट करना है। अब देखिए यहाँ पे जब हम स्यूडो कोड लिखते हैं, तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं सम। अब इनपुट कहाँ ले रहे हैं हम लोग, इसके पैरामीटर में ले रहे हैं या ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन यूजर से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, ये एक एम्बिगुअस बात है। हम जनरली जब हम बात करते हैं इनपुट की, तो
सिर्फ दो ही सूरतें होती हैं कि आप पैरामीटर ले लें नंबर वन और नंबर टू, लेकिन इनको हम लफ्ज क्या देते हैं, पैरामीटर। तो अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि विच एक्सेप्ट टू इंटीजर नंबर्स इन एज पैरामीटर, तो इसका मतलब फंक्शन के पैरामीटर में दे दें। और अगर ये बात नहीं कहा और एक्सप्लिसिटली बताया विच इनपुट्स टू इंटीजर नंबर्स, तो आप प्रोग्राम के अंदर उन्हें उनका इनपुट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम दोबारा इसको सम का फंक्शन है, और अब हम कन्वेंशन यूज करेंगे। हमने कहा था कि इनपुट के लिए हम टर्म इनपुट यूज करेंगे, सही, इनपुट। और फॉर एग्जांपल हमने कह दिया नंबर वन, इनपुट नंबर टू। अब एक्सपेक्टेशन क्या है कि यूजर दो नंबर्स इनपुट करेगा प्रोग्राम जब रन हो रहा होगा। अच्छा, नंबर थ्री हमें क्या करना है, सम प्रिंट करना है। तो इसको पहले मैं इक्वेशन वन में ले आऊं, तो यहां मैं कहूंगा सम इज इक्वल्स टू नंबर वन प्लस नंबर टू। ठीक है, एंड फाइनली मैं राइट कर दूंगा सम। यहाँ पे कहा ना प्रिंट, तो इसका मतलब है आप सम राइट करेंगे। ये चार स्टेटमेंट्स हैं। अब इसका अगर हम कोड लिखने जाएंगे तो कोड क्या होगा, बहुत सिंपल है, जस्ट कॉपी पेस्ट। और इनपुट कैसे लिया, रीड लाइन कंसोल पे हमने एक लाइन रीड की, उनको पार्स किया, पार्स करके आपको पता है कि जब हम लाइन रीड करते हैं तो एज अ स्ट्रिंग रिटर्न होती है, तो उस स्ट्रिंग को हमने पार्स करके नंबर में कन्वर्ट किया और उनको सम करवा के या ऐड करवा के सम प्रिंट करवा दिया। ठीक है, इस फंक्शन पे अगर हम गौर करें तो यहाँ मुख्तलिफ काम हो रहे हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ इनपुट लिया, ठीक है, तो पहला काम तो ये कि इनपुट हम एक स्ट्रिंग में ले रहे हैं और उसको पास करवा रहे हैं। तो ये एक ही स्टेटमेंट में हमने दरअसल दो काम करवाए, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे सिंगल लाइन में दो काम करवाए, तो हैं ये एक्चुअली दो स्टेटमेंट्स। जब कोड लिखने आया तो हमने दो स्टेटमेंट्स लिखी हैं और उनको सिंगल स्टेटमेंट हमने यहाँ कंसिडर किया, ठीक है। इसी तरह तीसरी स्टेटमेंट है और प्रिंट करवा दिया, चौथी स्टेटमेंट है। जब हमने स्यूडो कोड लिखा था तो हमने क्या कहा, इनपुट नंबर, हमने अज्यूम किया कि भाई कोई भी प्रोग्राम है वो डायरेक्टली एक नंबर इनपुट ले सकता है, लेकिन जब सी शार्प के अंदर हम इसको कोड करना है तो एक के बजाय दो स्टेटमेंट्स लग गई। तो यहाँ आप देखें पहले ही फर्क सामने आ गया कि इधर हम कह रहे हैं एक स्टेटमेंट यानी वो सिंगल यूनिट ऑफ टाइम देगी, लेकिन यहाँ पे दो दो यूनिट्स ऑफ टाइम। तो फर्क यहाँ पे हमारे एनालिसिस पे ये पड़ेगा कि जब हम बात करेंगे ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्यूडो कोड। ठीक है, इस स्यूडो कोड में हमारे पास कितनी टर्म्स एग्जीक्यूट हो रही है, कितनी स्टेटमेंट्स, चार स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, इनपुट नंबर वन, इनपुट नंबर टू, थ्री एंड देन फोर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे चार आ गई है, लेकिन अगर हम कहते हैं कि भाई ये कोड है, सोर्स कोड दिया हुआ है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करें, तो ये फंक्शन एक अलग स्टेटमेंट है, ये एक कंसोल डॉट रीड लाइन अलग स्टेटमेंट है, पार्स एक अलग स्टेटमेंट है, इसी तरह ये अलग स्टेटमेंट है। ये तो टोटल 6 लाइन्स यहाँ पे आपके सामने आ रही हैं। तो फर्क यहाँ पे पैदा हो जाता है कि भाई इज इट फोर और इज इट सिक्स। यहाँ पे जाके हमें रेस्क्यू करने क्या चीज आती है, विच इज अपर बाउंड। इधर वे हम जब कहेंगे इसका अपर बाउंड क्या है, तो हम सीधे अल्फाज में कह देंगे भाई अपर बाउंड ऑफ ओ इज कॉन्स्टेंट, ओ इज हैवी कॉन्स्टेंट। तो ये भी सिंपल था। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ प्रोग्राम की ब्यूटिफिकेशन के लिए और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यही चेक कर लिया कि भाई नंबर जो है वो वैलिड नंबर हो, अगर आप यहाँ पे इफ क्लॉजेस लगा रहे हैं तो वो भी हम कंसिडर करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। यानी अगर आपने स्यूडो कोड में लिख दिया फॉर एग्जाम्पल इफ नंबर वन इज लेस देन जीरो देन स्किप, फॉर एग्जाम्पल, जो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर आप चाह रहे हैं इनपुट करना है, तो ये सारी कंडीशन हम देखते हैं स्यूडो कोड के अंदर। कोड में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है
वो एनालिसिस के दौरान हम कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज कोड को रिफ्लेक्ट करना चाहिए सीधा सीधा सीडो कोड पर। ठीक है, तीसरा प्रोग्राम हम क्या कहेंगे, हम कहते हैं अ प्रोग्राम विच एक्सेप्ट्स हाइट एंड वेट ऑफ अ रेक्टेंगल एंड रिटर्न्स दी एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, सिंपल है। चलें आप इसका, अगर हम लिखने जाएं स्यूडो कोड, तो नाम क्या लिखेंगे फंक्शन का, जो एल्गोरिथम उसका नाम क्या होना चाहिए, कैलकुलेट एरिया। और ये एक्सेप्ट, ये अब इनपुट क्या लेगा, विड्थ और हाइट। ठीक है, अब यहाँ आगे हम डिस्क्रिप्शन भी देते हैं, रिटर्न्स, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, रिटर्न दी एरिया, प्रिंट नहीं करवाना है, रिटर्न्स दी एरिया रेक्टेंगल। पैरामीटर्स वेट एंड हाइट शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, चलें हम आते हैं इसके स्यूडो कोड के स्टेप्स पे। बिट्स मौजूद है हमारे पास, तो हम सबसे पहले चेक कर लेंगे कि भाई इनपुट वैलिड भी है या नहीं। इफ विड्थ इज लेस देन 0 और हाइट इज लेस देन 0, देन व्हाट, फेल, फेल बोल दें, एरर बोल दें, जो भी कुछ भी हम जो है वो यहीं से रिटर्न कर देंगे कि भाई कोई इनपुट में इशू है। अच्छा, इफ इनपुट इज फाइन देन फिर क्या करेंगे, फिर हम कहते हैं सेट एरिया इज इक्वल्स टू विड्थ इनटू हाइट, रिटर्न एरिया। सिंपल प्रोग्राम है, इसमें हमने सिर्फ इंट्रोड्यूस क्या किया, इफ देन को। अच्छा, यहीं पे अगर हमने कह दिया ना फेल, तो अजम्पशन यही कि प्रोग्राम इसके आगे रन नहीं करेगा, लेकिन अगर हम यहाँ फेल नहीं कर रहे, कुछ भी और काम कर रहे, तो हम कहते हैं अदरवाइज। यहाँ पे हमें जरूरत नहीं थी अदरवाइज कहने की। ठीक है, ओके, सिंपल है, कोड क्या होगा इसका, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये सोर्स कोड आ गया हमारा, कैलकुलेट एरिया विड्थ हाइट एंड सो ऑन। लेट्स टॉक अबाउट एनालिसिस। अच्छा, यहाँ पे कोई कोई नई चीज नहीं है, सिंगल लाइन, आप ये भी एनालिसिस कर सकते हैं। सो वी हैव सम कॉम्प्लेक्सिटी। अब आपने क्या देखना है कि कितनी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुई है इसमें। यहाँ पे आप एक डिसीजन ले रहे हैं कि भाई इस केस में अगर विड्थ लेस देन 0 है, हाइट लेस देन 0 है, तो हमारे पास यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ये स्टेटमेंट्स रन ही नहीं होंगी। ठीक है, तो एक केस तो हमारे पास ये है कि विड्थ हमने लेस देन 0 दे दी, फॉर एग्जाम्पल विड्थ हमने -1 दे दी, उस केस में क्या होगा, उस केस में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, 1, और एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी 2। ठीक है, अगर हमने विड्थ सही दी है और हाइट गलत की है, हाइट लेस देन 0 दे दी, तो उस केस में पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट, फिर ये तीसरी स्टेटमेंट, यानी ये भी रन होगी, ये भी कंडीशन रन होगी, ये ट्रू होगी, इसकी वजह से तीसरी स्टेटमेंट रन होगी। तीसरा केस, विड्थ भी सही है, हाइट भी सही है, दोनों जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो उस सूरत में दो स्टेटमेंट्स यहाँ रन हुई। ठीक, तीसरी स्टेटमेंट में एरिया कैलकुलेट हुआ, चौथी स्टेटमेंट थी रिटर्न, राइट। लेकिन ये हमारा कोड है, हम यहाँ पे अगर आते हैं तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ हम कहेंगे ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, ये दूसरी स्टेटमेंट है,
ये तीसरी स्टेटमेंट है। इन केस ऑफ सक्सेस, यानी अगर सक्सेसफुल प्रोग्राम है तो तीन स्टेटमेंट्स रन होंगी, वरना सिंगल स्टेटमेंट, वरना दो स्टेटमेंट्स रन होंगी, ठीक है। तो इन दोनों कोड इम्प्लीमेंटेशन में, स्यूडो कोड में एक मरतबा फिर हमने देखा कि डिफरेंस आ रहा है। कोड जब हम लिखते हैं तो वो हमारे स्टाइल के ऊपर होता है, हम किस तरह से कोड लिख रहे हैं, कि नंबर ऑफ लाइंस जो एग्जीक्यूट हो रही है ये डिपेंड करता है हमारी इम्प्लीमेंटेशन पे कि कोड हमने कैसे इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन जब हम एनालिसिस कर रहे होंगे तो आप ये याद रखिएगा, कोड चाहे किसी भी लैंग्वेज में कुछ भी किया हो, इसको नहीं पढ़ना, आपने इसे पढ़ना है, ठीक है। तो वंस अगेन हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, 1, 2 एंड 3। एक केस में 2 है, दूसरे केस में 3 है, इसका मतलब है हमने कौन सा उठाना है। हम वर्स्ट हमेशा याद रखिएगा कि अगर एक्सप्लिसिटली नहीं पूछा आपसे बेस्ट केस सिनेरियो या एवरेज केस सिनेरियो, तो हमेशा अज्यूम ये कीजिएगा वर्स्ट केस सिनेरियो की ही बात हो रही है, ठीक है। तो इस केस में आप ये नहीं बोलेंगे वर्स्ट केस तो यही है कि भाई इनपुट ही गलत दिया है, नहीं ऐसी बात नहीं है। इनपुट अगर गलत दिया है तो ये वर्स्ट केस सिनेरियो क्यों नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम जल्दी एंड हो गया। वर्स्ट केस सिनेरियो की डेफिनेशन ये है कि प्रोग्राम सबसे ज्यादा टाइम ले खत्म होने में, ठीक है। तो यहाँ हम कहेंगे एफ ऑफ सॉरी टी ऑफ दिस फंक्शन एफ, इसको हमने कैलकुलेट एरिया को हमने एफ कह दिया, एंड इट्स टेकिंग व्हाट 3 यूनिट्स ऑफ टाइम एट मैक्स। वंस अगेन ये तो सीधा सीधा कॉपी पेस्ट ही करना है हमें, बिकॉज वंस अगेन दिस इज कॉन्स्टेंट। चले अब हम एक और प्रोग्राम नंबर 4 पे जाते हैं, और यहाँ पे हम एक और चीज ऐड करेंगे अपने प्रोसेस में। तो हमारा प्रोग्राम क्या होगा, प्रोग्राम विच इनपुट्स 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल इनपुट करने, प्रिंट्स देयर वैल्यूज, देन स्वैप्स देम एंड प्रिंट देयर वैल्यूज अगेन। सिंपल है, सुनने में कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं लग रही। 2 वेरिएबल्स हैं, इनपुट लेने हैं और उनको प्रिंट कराना है, फिर स्वैप करवाने, फिर प्रिंट करवाने, ठीक है। लेट्स सी, तुमने इस तरह का पहले कुछ किया हुआ है, राइट? इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, सीडो फोल्ड भी और फोल्ड भी और उसके बाद एनालिसिस। चले हमने फंक्शन को नाम दे दिया प्रिंट स्वैप प्रिंट, एक नंबर इनपुट किया, दूसरा नंबर इनपुट किया, हमें क्या करना है, राइट नंबर 1, राइट नंबर 2। अच्छा यहाँ पे अब हमारे पास दो सिचुएशंस हैं, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी तो आप ये है, आप कहें कि भाई सीधा सीधा मैंने यहाँ लिख दिया स्वैप, मैं अज्यूम कर रहा हूँ एक स्वैप है नंबर 1 और नंबर 2, और इसका काम ये है कि दोनों को स्वैप करवा दे वैल्यूज, ठीक है। और वैसे ये जरूरी नहीं कि नंबर ही हो, मैं इसको S1 और S2 भी कह सकता हूँ, क्योंकि ये स्ट्रिंग होगी ना, स्ट्रिंग भी हो सकता है। हाँ S1 और S2, ठीक है। तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि आपने सीधा सीधा एक और फंक्शन लिख दिया स्वैप, अज्यूम ये कर रहे हैं स्वैप जब मैं कॉल करूंगा तो S1 के अंदर S2 और S2 के अंदर S1 की वैल्यू चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपने प्रिसाइजली मेंशन नहीं किया कि स्वैप काम कैसे करेगा। इसकी एक मिसाल देता हूँ, जनरली आप आपसे अगर पूछा जाए कि स्वैप फंक्शन इटसेल्फ कितनी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करता है, तो आप क्या बात करेंगे, आप बोलेंगे कोई मसला नहीं है, 10 = S1, S1 = S2,
और S2 इज इक्वल टू 10, इस तरह से तीन स्टेटमेंट्स में स्वैप हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप पाइथन में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, S1 S2 इज इक्वल टू S2 S1, लो भाई एक ही स्टेटमेंट में वैल्यू स्वैप हो गई। तो ये अगेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, कि वो लैंग्वेज किस तरह से स्वैप करती है फंक्शंस को। इस केस में आपके लिए बेहतर ये है कि या तो एक अलग फंक्शन लिखे स्वैप के नाम से, ठीक है, ये नहीं कर रहे तो इसी के अंदर आप मेंशन करें ये सारे स्टेप्स। पहला मैं कहूंगा सेट टेम्प इज इक्वल टू S1, फिर मैं कहूंगा S1 इज इक्वल टू S2 एंड फाइनली S2 इक्वल टू 10, ठीक है। तो इस तरह मेरे पास वैल्यू स्वैप हो जाएंगी S1 की S2 में और S2 की S1 में चली जाएगी वैल्यू, ठीक है। ये काम ने कर दिया, दोबारा हम लोग राइट करवा सकते हैं S1 और S2, ठीक है। तो यहाँ पे बताने का मकसद ये था, ये जो स्वैप है इसको आप एज अ फंक्शन नहीं लिख सकते स्ट्रेट अवे। अगर लिखा है तो या तो आप एक और फंक्शन डिफाइन करें स्यूडो कोड में, ठीक है, बताएं कि भाई स्वैप होता कैसे है और उसको यहाँ पे कॉल करें। अदरवाइज आप ये सिंपल था तो मैंने यही तीन स्टेटमेंट्स लिख दी। तो अब यहाँ पे और कोई जो है इसमें करने वाली इतनी कॉम्प्लेक्स बात नहीं है, सीधा सीधा कोड है, ठीक है। ये कोड हमने कंप्लीट कर लिया और सिंपली रिफ्लेक्टिंग द सेम एनालिसिस, नथिंग न्यू, वही हमारे पास कांस्टेंट है और सिर्फ हमने गिनना है कितनी स्टेटमेंट्स चलने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो 9 स्टेटमेंट्स मेरे एग्जीक्यूट हो गए, 9 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 9 आ गई इस फंक्शन की और अपर बाउंड सेम कांस्टेंट ही है। अच्छा, अब आपके पास खुद करने के लिए दो प्रोग्राम्स हैं। हमने कांस्टेंट कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी वाले 4 प्रोग्राम्स यहाँ पे बनाए, उनका कोड लिखा और एनालिसिस किया। दो ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको खुद करना है, ठीक है। अ प्रोग्राम विच इनपुट्स 3 वेरिएबल्स एंड कैलकुलेट्स देयर हार्मोनिक मीन, ठीक है। एक प्रोग्राम ये है, अ प्रोग्राम विच इनपुट्स एन इंटीजर नंबर एंड प्रिंट्स इवन और ऑड बेस्ड ऑन द वैल्यू,